केंद्रीय संसाधन के गैर अनुपातिक आवंटन के बिना गरीब राज्य और पिछड़ जाएंगे, और यही काम रिजर्वेशन भी तो कर रहा है। जो पिछड़े और कमजोर वर्ग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहा है, और इस हिसाब से तो इसे भी खत्म कर देना चाहिए। भाजपा और मोदी दोनों इस बात से अवगत हैं कि परिसीमन से उनको ही लाभ होगा, लेकिन फिर भी इसका आरोप कांग्रेस पर लगाया गया, ऐसा क्यों? मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। अब कांग्रेस दक्षिण भारत के संसद सदस्यों की संख्या कम करने का नाटक करने जा रही है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यह तर्क दिया जा सकता है कि सीटों का वर्तमान आवंटन उस सिद्धांत का गंभीर उल्लंघन करता है, जहां यूपी में लगभग 30 लाख की आबादी को एक सांसद मिलता है, वहीं तमिलनाडु में यह आंकड़ा सिर्फ 18 लाख है। तो तमिलनाडु में एक नागरिक का राजनीतिक मूल्य यूपी में रहने वाले किसी व्यक्ति की तुलना में लगभग दोगुना है। नमस्कार दोस्तों, सरकारी निर्णय और नीतियां सामाजिक कल्याण से ज्यादा वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित होती हैं। ये एक फैक्ट है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी हाल ही में बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए, जिससे एक नई राजनीतिक जमीन तैयार हो गई, जहां इंडिया गठबंधन जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी की बात पर अड़ा है, तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे काटने के लिए परिसीमन का पांसा फेंक दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ जटिल मुद्दे को बहुत आसान तरीके से समझेंगे, जैसे पहला होगा इसमें राजस्व बंटवारे में क्या दक्षिण भारत के राज्यों को नजरअंदाज किया जा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि क्या उत्तर को भुगतान करने के लिए दक्षिण को लूटा जा रहा है। और तीसरा होगा कि 15वें वित्त आयोग से दक्षिण राज्य इतना नाराज क्यों है, और ये केंद्र को कितना रुपया देते हैं और वापस कितना पाते हैं, इसके बारे में भी फैक्ट के साथ चर्चा की जाएगी। और अगला होगा कि क्या सच में भारत को डिलिमिटेशन की आवश्यकता है या नहीं। इसके साथ साथ डिलिमिटेशन के लिए 2026 को ही क्यों चुना गया, इसका निर्धारण 2026 में क्यों किया जाएगा, क्या कारण है, इसके बारे में भी जानेंगे। और यदि भाजपा दक्षिण के राज्यों को नहीं जीत सकती, तो वह परिसीमन के माध्यम से उन्हें अप्रासंगिक बना देगी, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। और लास्ट होगा कि दक्षिण राज्य की जनसंख्या और इकोनॉमी किस तरीके से काम की और उन्होंने इसे किस तरीके से संभाला, इसके बारे में भी फैक्ट के साथ चर्चा की जाएगी। क्या अतीत से ही दक्षिण के राज्य आज जैसे थे, मतलब जितने आज डेवलप दिखाई पड़ते हैं, हर इंडेक्स में ऊपर दिखाई पड़ते हैं, चाहे इकोनॉमी हो उसमें भी उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है, तो क्या यह अतीत से था या उनकी कुछ योजनाएँ थी जिसकी वजह से, जिसके कारण से ऐसा हो पाया, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 में होने वाले परिसीमन के उभरते मुद्दे पर चर्चा की और इसके लिए एक दक्षिणी राज्य तेलंगाना को चुना। गौर करने वाली बात यह है कि दक्षिण के कई नेताओं ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन से संसद में उनके प्रतिनिधित्व में गिरावट आ सकती है, और इसी को आधार बनाकर गंभीरता से पीएम मोदी ने कहा कि दक्षिण को 100 सीटों का नुकसान होगा, क्योंकि देश अब अगले परिसीमन की बात कर रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि दक्षिण राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है, लेकिन कांग्रेस के अधिकारों के नए विचार के कारण दक्षिण भारत को 100 लोकसभा सीटों का नुकसान होगा। क्या दक्षिण भारत इसे स्वीकार करेगा, क्या दक्षिण भारत कांग्रेस को माफ करेगा? पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं कांग्रेस नेताओं से कहना चाहता हूं कि वे देश को मूर्ख ना बनाएं और स्पष्ट करें कि वे ऐसा खेल क्यों खेल रहे हैं। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस दोनों से यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि क्या वे दक्षिण भारत के खिलाफ हैं। यही नहीं, कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि नई सोच अर्थात जितनी आबादी उतना हक दक्षिण भारत के लिए अन्याय है। और इसमें दोस्तों सबसे मजेदार बात मैं आपको ये बताता हूं कि राजनीतिक रूप से खतरनाक कदम होने के बावजूद बीजेपी अतिरिक्त समय के साथ उस क्षेत्र में जमीन तैयार कर रही है जहां उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि उत्तर बीजेपी का पारंपरिक गढ़ है, और यह मानना सुरक्षित है कि परिसीमन का मतलब वहां भाजपा के लिए ही लाभ है। लेकिन दोस्तों, यह एक कड़वी गोली है जिसे कभी न कभी
सभी पार्टियों को निगलना ही पड़ता है और हो सकता है कि मोदी ने ऐसा करने के लिए कांग्रेस को चुनौती दे हो सकता है कि मोदी ने एक पत्थर से दो शिकार किए हों। दो शिकार का मतलब एक नई सोच, जितनी आबादी उतना हक, और दूसरा जातिगत जनगणना, क्योंकि विपक्ष का जातिगत जनगणना का शोर मुख्य रूप से बीजेपी की जो पकड़ है ओबीसी पर उसको कम करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए बार बार राहुल गांधी ये प्रश्न पूछते हैं कि भैया ओबीसी कितने हिंदुस्तान में। 1970 के दशक के बाद से भारत की जनसंख्या में दक्षिण की हिस्सेदारी में 5% की गिरावट आई है, जबकि यूपी और बिहार में 3 अंक की वृद्धि हुई है। 2011 की पिछली जनगणना के समय यूपी और बिहार में भारत की 25% आबादी थी, जबकि दक्षिण में 21% थी। अब बताओ इतना बड़ा गैप है, लेकिन इससे भी मजेदार बात यह है कि ये फासला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। नवीनतम आधिकारिक अनुमान केवल 2022 में यूपी और बिहार में भारत के 26% लोगों की बात करते हैं, जबकि दक्षिण की हिस्सेदारी घटकर 19.5 हो गई है। कहने का अभिप्राय यह है दोस्तों कि जहां उत्तर में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वहीं पर दक्षिण में जनसंख्या ह्रास देखा जा रहा है। अब आइए एक दूसरे आंकड़े से बात को समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों 1971 और 2011 के बीच केरल की जनसंख्या 56% बढ़ी थी और तमिलनाडु की जनसंख्या 75% बढ़ी थी, और इसकी तुलना में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 130% अधिक वृद्धि हुई थी। ताजुब की बात है, काफी ज्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट हो गया जनसंख्या के मामले में। दोस्तों जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित करने के संवैधानिक प्रावधान के अनुसार 1951-52 के आम चुनावों को लेकर 1971 के चुनावों तक लोकसभा में सीटें बढ़ गई थी, ये एक फैक्ट है। और दूसरी बात, 1976 में इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में, और 1976 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा संविधान के 42वें संशोधन के अधिनियम के साथ परिसीमन प्रक्रिया को 25 वर्षों के लिए रोक दिया गया था। और इसके बाद 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान 84वें संशोधन के साथ इसे 25 वर्ष और आगे ढकेल दिया गया। मतलब वही है कि कोई ऐसा काम करना नहीं चाहता, लेकिन अब आगे ऐसा देखा जा रहा है कि अगर 2024 में बीजेपी जीतती है तो शायद परिसीमन पक्का कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद उसको ही लाभ होगा। उसके बारे में अभी आगे चर्चा की जाएगी। अगर एक फैक्ट की बात करें तो 2019 में 60% सीटें भाजपा ने दक्षिण हिंदी पट्टी से ही जीती है, और अगर परिसीमन होता है तो भाजपा इन्हीं राज्यों पर फोकस करके अपना काम निकाल सकती है। दोस्तों आपके मन में आया होगा कि 2026 ही क्यों चुना गया, तो मैंने अभी आपको बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान 84वें संशोधन के साथ परिसीमन को 25 साल पीछे ढकेल दिया गया, और इसके लिए जो उस समय के तत्कालीन कानून मंत्री थे उन्होंने, अरुण जेटली जी, उन्होंने कहा कि इस कदम के पीछे का कारण कुछ राज्यों द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करने में विफलता थी, इसलिए हमको ये करना पड़ रहा है कि हम इसे 25 वर्ष और पीछे कर रहे हैं। और दूसरी बात, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में वर्ष 2026 की परिकल्पना उस वर्ष के रूप में की गई है जिसमें देश की जनसंख्या स्थिर हो जाएगी, इसलिए जो 2000 का सच था उसे 2026 तक स्थिर करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि वह वर्ष जिसमें हम अनुमान लगाते हैं कि देश की जनसंख्या का आंकड़ा आशापूर्वक स्थिर हो जाएगा। अब आप समझ पाए होंगे कि 2026 क्यों चुना गया। दोस्तों 1971 की जनगणना में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि देखी गई, और इसके मद्देनजर कठोर जनसंख्या नियंत्रण उपाय भी पेश किए गए। नसबंदी जैसे कार्यक्रम इसी समय चलाए गए थे, उस पर बाद में चर्चा की जाएगी। और इस प्रकार राज्यों को जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। अब ऐसा करने के लिए उन्हें आश्वस्त भी किया गया कि यदि वे जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि केंद्र से करों के हस्तांतरण कम हो जाएंगे, क्योंकि 1971 के आंकड़े के आधार पर उनके पास संसद में सांसदों की एक निश्चित संख्या भी होगी और उनका प्रतिनिधित्व जनसंख्या संख्या के आधार पर कम नहीं होगा। कहने का मतलब यही है कि जो दक्षिण के राज्य चिंता व्यक्त करते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कम है,
जिसके चलते जो लोकसभा सीटें हैं वहां पर सीटों में नुकसान हो रहा है, हमारे पास कम सीटें हैं। तो यही बात इसमें कही गई 1971 में। वो क्या कह रहे हैं, इस बात को समझिए कि वो कह रहे हैं कि हमको ठगा जा रहा है, क्योंकि कहा गया था 1971 की बात को आधार बना करके। और यहाँ पर जो 2011 का सेंसस लिया गया, आंकड़ा लिया गया, जिसके कारण उनकी सीटें और कम हो गई, और आगे अगर 2026 में यही बात दोहराई जाएगी तो उनके जो सीटें हैं वो और ज़्यादा कम हो जाएंगी। आगे और चर्चा की जा रही है, प्लीज वीडियो पूरा देखें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जो धन कर के रूप में जुटाया जाता है उसको केंद्र राज्यों को हस्तांतरित करता है, लेकिन किसको कितना हस्तांतरित किया जाएगा, इसके लिए 15वें वित्त आयोग ने 2011 की जनगणना को आधार बनाया और दक्षिणी राज्यों ने बताया कि जनसंख्या आधारित मापदंड का मतलब है कि करों के हस्तांतरण में जहां दक्षिणी राज्यों की हिस्सेदारी 14वें वित्त आयोग में कुल 17.98% थी, वहीं 15वें वित्त आयोग में घटकर 15.8% हो गई है। मतलब कि जब घटोत्तरी हो रही है तो उनका नुकसान हो रहा है, इसीलिए वे उसका विरोध कर रहे हैं। वो बात जरूर कही जा सकती है, लेकिन कोई भी अगर नीति लागू की जाएगी तो कोई ना कोई राज्य उसका विरोध जरूर करेगा, ये आप स्वयं जान रहे हैं, क्योंकि सभी को तो खुश नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि जो देश की 20% आबादी के लिए ये दक्षिणी राज्य जिम्मेदार हैं, लेकिन यही सकल घरेलू उत्पाद में 35% का भी योगदान दे रहे हैं। मतलब जनसंख्या इनकी काफ़ी ज़्यादा कम है और योगदान इकोनॉमी में इनका बहुत ज़्यादा है। फिलहाल ये एक बहुत ही विवादास्पद बात है, क्योंकि जो बड़े राज्य हैं जैसे कि मुंबई और गुजरात, इनको भी आधार बनाकर आप मेरी इस बात को काट भी सकते हैं, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों, इतिहास पर गौर करें तो 50 साल पहले तस्वीर बहुत अलग थी। अध्ययन में कहा गया है कि 1960 में दक्षिणी राज्यों में ग्रामीण गरीबी दर 66% थी, जबकि हिंदी पट्टी राज्यों में यह 55% थी। दक्षिण के युवा रोजगार की तलाश में उत्तरी शहरों में पलायन कर रहे थे। तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि क्या शुरू से ऐसा था, क्या शुरू से ही इतने डेवलप थे, तो ऐसा नहीं था। फैक्ट के साथ आपको मैंने बातें बता दी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जो नॉर्थ है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेबर फोर्स है और साउथ में उसकी कमी है, पॉपुलेशन की भी कमी है, तो दोनों को मिलजुल के रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और जो नॉर्थ के लोग हैं, लेबर हैं, यही जाकर के वहाँ पर इकोनॉमी में भी अपना काफ़ी ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। तो यही नहीं साथियों, जब आप बिहार और कर्नाटक के बीच तुलना करते हैं तो कर्नाटक में प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा बिहार के इस आंकड़े से 5 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है, और तेलंगाना और यूपी के बीच यह तुलनात्मक आंकड़ा 4 गुना ज़्यादा बड़ा है, और केरल और असम के बीच यह आंकड़ा 2 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है। यही अनुपात तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के बीच का भी है। मतलब किसका, आय के अनुपात का नहीं तो आप कुछ और समझ लें। मसलन 5 दक्षिणी राज्य GST से होने वाली कुल आय में 25% का योगदान दे रहे हैं, लेकिन केंद्र से राज्यों को दी जाने वाली रकम में उनके छठे हिस्से से भी कम मिलती है, यही इनके गुस्से का सबसे ज़्यादा कारण भी है। लेकिन दोस्तों, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि केंद्र संसाधन के गैर अनुपातिक आवंटन के बिना गरीब राज्य और पिछड़ जाएंगे। दोस्तों, दक्षिणी राज्य आरोप लगाते हैं कि 15वें वित्त आयोग के कारण उनके साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन के लिए 2011 को चुन लिया गया है और साथ ही साथ इसका वेटेज 10 से 15 हो गया है। लेकिन इसी मैप में एक और राज्य है, वो है इकोनॉमी डिस्टेंस का, जिसका वेटेज है 45%। और ये मैप बताता है कि जब एक राज्य 100 रुपये देता है तो उसे वापस कितना मिलता है। तो जहां 100 रुपये देने पर तमिलनाडु को 29.7 रुपये, वहीं बिहार को 922.5 रुपये मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे का मुद्दा वास्तव में उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत की बहस नहीं है, बल्कि यह एक गरीब बनाम अमीर का मुद्दा है। इसके साथ साथ एक और फैक्ट बताता हूँ, जो लोग आबादी आबादी चिल्लाते हैं उनको ये देखना चाहिए कि झारखंड और केरल की आबादी समान है, लेकिन झारखंड केरल के मुकाबले कम कर राजस्व की उगाही करता है। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के बीच भी यही अनुपात है। मैंने पहले ही भी आपको बताया कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय संसाधन के गैर अनुपातिक आवंटन के बिना
गरीब राज्य और पिछड़ जाएंगे। और यही काम रिजर्वेशन भी कर रहा है। जो कमजोर वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास रिजर्वेशन के आधार पर किया जा रहा है। इस हिसाब से तो इसे भी खत्म कर देना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जनसंख्या अनुपात के अनुसार सीटों के पुनर्वितरण का मतलब यह होगा कि हिंदी भाषी राज्यों को गैर हिंदी भाषी राज्यों की कीमत पर 33 सीटों का शुद्ध लाभ होगा। हिंदी पट्टी जो पहले से ही 543 में से 226 सीटों पर नियंत्रण रखता है, अब वह 259 सीटों पर नियंत्रण रखेगा। निष्पक्षता से कहें तो यह प्रस्ताव औचित्यहीन नहीं है। कड़वाई से कहें तो एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सर्वोच्च लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुरूप है। यह तर्क दिया जा सकता है कि सीटों का वर्तमान आवंटन उस सिद्धांत का गंभीर उल्लंघन करता है, जहां यूपी में लगभग 30 लाख की आबादी को एक सांसद मिलता है, वहीं तमिलनाडु में यह आंकड़ा सिर्फ 18 लाख है। तो तमिलनाडु में एक नागरिक का राजनीतिक मूल्य यूपी में रहने वाले किसी व्यक्ति की तुलना में लगभग दोगुना है। और रही बात आय की असमानता की, वो भी मैंने आपको बता दिया फैक्ट के साथ। जो फालतू लोग अपना वार्तालाप करते हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। फैक्ट के साथ जो बातें थी मैंने वही बताया। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।